सिर्फ चिपसेट और कैमरा सेटअप में चेंजेस करके इन्होंने S21 FE को S23 FE के नाम से रिलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S23 FE स्मार्टफोन को सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस डायनेमिक एमुलेट 2X डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की बिल्कुल टॉप लेवल है भाई, बिल्कुल टॉप लेवल कंटेंट वॉचिंग अब दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही यार अगर हम बात करें IP रेटिंग की तो दोनों फोन्स यहां पर IP68 रेटिंग के भी साथ में आते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है। यानी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों S23 FE के अंदर आपको एंड्रॉइड 17 तक के अपडेट्स मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ S21 FE के अंदर आपको एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट्स मिलेंगे। यानी कि भाई एक साल का ज्यादा अपडेट आपको S23 FE के अंदर देखने को मिल जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो S23 FE के अंदर हमें Exynos 2200 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ S21 FE के अंदर हमें Snapdragon 888 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है, लेकिन यार हीटिंग इश्यू आपको दोनों फोन्स के साथ में देखने को मिल जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे S23 FE की। तो इस फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ S21 FE का मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों S21 FE का जो बैक कैमरा सेटअप है ना भाई बिल्कुल टॉप लेवल वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से S21 FE के कैमरा सेटअप ने डिटेलिंग्स को कैप्चर की है। लेकिन स्टिल दोस्तों अगर आपको और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में फोटोज क्लिक करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली S23 FE की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन का जो मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का भाई एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। और साथ ही दोस्तों हमें इस फोन के अंदर भाई 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग एट 60 FPS पर कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की। तो S23 FE के फ्रंट में हमें 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ S21 FE के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन यार जो दोनों फोन्स का फ्रंट कैमरा ना भाई बिल्कुल टॉप लेवल वाली सेल्फी फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ने डिटेलिंग्स को कैप्चर किया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K एट 60 FPS पर कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सिर्फ 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और एक और जरूरी बात दोस्तों, दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा भाई, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई 3.5mm जैक की। तो हमें दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन यार स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि S23 FE स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 60,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ S21 FE स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 45,000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपका बजट है भाई 45,000 रुपए तक का और उसमें अगर आपको ओवरऑल कैमरा सेटअप के हिसाब से बढ़िया फोन चाहिए सैमसंग की तरफ से, तब आप यहां पर डेफिनेटली सैमसंग S21 FE की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाई अगर आपका बजट है 60,000 रुपए तक का और उसमें अगर आपको और भी ज्यादा इंप्रूव्ड कैमरा सेटअप के हिसाब से फोन चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली सैमसंग S23 FE की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।